दस मुख गय हूँ जहाँ मारी जा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। रावण मारीच के पास आया और प्रणाम किया, तो उस समय मारीच पूजा कर रहा था। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र है अक्सर आये हुतात। मारीच ने पूजा करने के बाद रावण से पूछा कि भांजे, आज ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही आ गए हो, क्या बात है, रहस्य को प्रकट करो। तब रावण ने कहा कि मामा, इस समय मैं बहुत ही परेशानी में हूँ, बहुत ही संकट में हूँ, सुनो मैं बताता हूँ। अरे भाई, दो आए हैं राजा दशरथ के राम लखन, सुपन खा नकटी कर डाले मारे हैं तीसरा खर दोषण। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, कट गई नाक यदि भगिनी की उसकी भार्या हर लेना है। तुम माया का मृग बन जाओ, मैं साधु बन के आऊंगा, मैं तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अय मामा, अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण पंचवटी में आकर कुटिया बना करके रहते हैं, भारी उपद्रव कर दिए हैं। बहन सुपनखा गई वहां, उसकी नाक और कान को काट डाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बहन सुपनखा के दुखों का निवारण करने के लिए तुम सोने का मृगा बनकर राम लक्ष्मण को कुटिया के बाहर ले जाओ, मैं अवसर मिलते ही सीता का हरण करूंगा। मारीच ने जब रावण की बात सुनी तो कहा, भांजे यह तो बहुत गलत विचार है, चोरी करना है महापाप, यदि करो भलाई तो कर लो, नारी हरना है उचित नहीं, यदि हरो तो प्राणों को हर लो। अय भांजे, इस तरह से चोरी करना बड़ा ही पाप कर्म है, अगर तुम बदला ही लेना चाहते हो तो जाकर उनके प्राणों को हरण कर लो, नारी का हरना तो यह तो और भी बड़ा पाप है। और हाँ, वो विश्वामित्र के साथ में यज्ञ की रक्षा करने वाले राम लक्ष्मण आज भी मुझे स्मरण है, मुझे आज भी याद है कि उसने मुझे उठा के फेंका तो मैं आके पंचवटी में गिरा, इस बार जाऊंगा तो अवश्य मेरे प्राण नहीं बचेंगे, सो मुझसे यह कार्य नहीं हो सकता। तब तो रावण को बड़ा क्रोध आया, और जब बड़ा क्रोध आया तो मारीच को अपनी चंद्रहास नामक तलवार निकाल कर मारने के लिए दौड़ा। सर्व खलिदम ब्रह्माते, किसे क्या झूठा नाता है, तू किसको ज्ञान सिखाता है, बनकर क्या खुद बतलाता है। यदि कहा नहीं माना मेरा,
यदि कहा नहीं माना मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुर को तुझे पहुंचा दूंगा। ऐ मामा मरीच, अगर तू मेरे कार्य सिद्ध के लिए सोने का मृग बनकर नहीं गया तो मैं सीता का हरण तो बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुझे ही मार डालूंगा। मरीच बड़ा ही असमंजन में पड़ गया, सो कहा कि ऐ भांजे तुम जाओ, मैं मरीच बनकर के राम लक्ष्मण को अवश्य, अगर रावण की बात नहीं मानता तो यह मुझे अवश्य मार डालेगा, और उधर मैं मृगा बनता हूं सो मुझे राम मार डालेंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं इस दुष्ट रावण के हाथों से मरूंगा, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं होगा। सो अगर मैं राम के हाथों मरता हूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं इस दुष्ट के हाथों न मर करके श्री राम के हाथों से ही मरना ज्यादा उचित समझूंगा। यही विचार करके मरीच पंचवटी में सोने का मृग बनकर कुटिया के इधर उधर विचरण करने लगा। ते ही बन निकट दशानन गए हो, तब मरीच कपट मृग भय हो, अति विचित्र कछु बरन न जाई, अति विचित्र कनक देह मन रचित बनाई हो, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमा नोहर भेसा। जब मरीच कुटिया के इधर उधर घूमने लगा तो अचानक सीता जी ने देखा तो मंत्र मुग्ध हो गई, मोहित तो हो गई कि अगर यह मृगा, अगर इस मृगा की खाल मिल जावे तो बड़ा ही सुंदर होगा। सो रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और बोली, ए नाथ स्वर्ण का मृगा है यह कितना सुगर सलोना है, जिस भांति हो सके प्राणनाथ मृग छाला इसकी लाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हे स्वामी, अगर इस मृग की छाल लेकर आए तो इससे मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी, क्योंकि इसका सारा चर्म जो है, सारा चमड़ा जो है वो सोने का बना हुआ है। तब राम जी ने सारे कारणों के कारण को जान लिया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम सीता के रक्षा करना, जब तक मैं लौट न आऊं ये मेरी आज्ञा है। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी ने एक कठोर बाण धनुष पर संधान किया और मृग के पीछे पीछे भागते भागते चलते भरे। इधर मृग भागने लगा, मृग भागने लगा, भागते भागते विशाल काय जंगल की ओर ले गया, इतनी दूर ले गया कि आसानी से रावण का काम बन जाए। तब श्री रामचंद्र जी ने एक कठोर बाण मारा, मरीच उसी समय धरती पर गिर पड़ा और मरते मरते भी रावण के नमक को अदा कर दिया। उसने अपनी आवाज में नहीं, स्वयं श्री रामचंद्र जी की आवाज में हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो की आवाज लगा दी, जिस आवाज को सुनकर सीता जी विचलित हो गई और लक्ष्मण से कहा कि देवर लक्ष्मण तुम्हारे भैया बड़े ही संकट में हैं। ए लखनलाल जाकर देखो कुछ रघुराई संकट में है,
भाई का नाम पुकार रहे, देखो भाई संकट में है। ऐ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, सो जा करके उनकी रक्षा करो। तब तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, माता ऐसी बात क्यों करती हैं? उन्हें जीतने वाला इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जिनकी होती है वक्र दृष्टि, जिनके होते ही वक्र दृष्टि तत्काल प्रलय हो जाती है। दुख देगा उनको कौन मात, यह नहीं समझ में आती है। माता, मैं प्रभु का सेवक हूं, स्वामी की वचन न टालूंगा, छोड़ूंगा अकेला नहीं तुम्हें, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ऐ मां, जिनकी भावें कहीं तिरछी हो जाती हैं तो महाप्रलय आ जाता है, तो उन्हें कोई दुख कैसे पहुंचा सकता है। और एक बात तो और, मैं बड़े भैया की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता हूं, सो उन्होंने कहा है कि मैं आपकी रक्षा में रहूं तो मैं कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूं। तब सीता जी को अधिक क्रोध आया और लक्ष्मण जी को उलाहना देते हुए बोली, छल कपट तुम्हारा है लक्ष्मण, वैदेही जान रही सब है, वन में जो तुम आए हो कुछ और तुम्हारा मतलब है। बिन प्राणनाथ नहीं जी सकती, सीता प्रभु की बामंगी है। अस्पष्ट हो गया ए लक्ष्मण, दुनिया मतलब की संगी है। यदि माता मुझे समझते हो, यदि माता मुझे मानते हो तो माता की यह आज्ञा है, तुम जाओ वहीं पर है लक्ष्मण करते प्रभु जहां प्रतीक्षा है। ऐ लक्ष्मण, वास्तव में तुम इस वन में आए हो, इसमें तुम्हारा कोई और स्वार्थ छुपा हुआ है, परंतु लक्ष्मण तुम ये जान लो कि तुम्हारे भैया के बिना इस संसार में मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे वास्तव में माँ कहते हो, अगर तुम वास्तव में मुझे एक माता का दर्जा देते हो, तो यह तुम्हारी माता की आज्ञा है कि तुम जाओ लक्ष्मण, वहीं जाओ जहाँ तुम्हारे भ्राता मेरे स्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहाँ वे तुम्हारी सहायता चाह रहे हैं। तब लक्ष्मण का हृदय डोल उठा। अब तो वो बड़े दुखित हो गए, सोच रहे हैं कि अगर नहीं जाता हूँ तो अब तो मेरा इस संसार में जीना भी अधिक मुश्किल और बड़ा ही कठिन होगा। तो अंत में लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा माता, मैं जा रहा हूं। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होके रहना,
अज्ञा के भीतर दास रहा, मारे खा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करी जो परिण कुटी में आएगा, है आनव से इस लक्ष्मण की माया ही भस्म हो जाएगा। अच्छा माँ मैं जाता हूं, मैंने कुटिया की चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस रेखा के बाहर ना जाएं। जो भी इस रेखा का उल्लंघन करके रेखा के अंदर प्रवेश करेगा वह यहीं जल करके भस्म हो जाएगा। माँ मैं जाता हूँ। जाते जाते लक्ष्मण ने वृक्ष और पहाड़ों को संकेत करते हुए कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, इस बात की साक्षी तुम ही मेरे भैया से कह देना। ए वृक्ष और पक्षियों मैंने अज्ञा माता की पाली है, बन उपवन बन देवी करना बन देवी की रखवाली। ऐ वृक्षों पहाड़ियों सभी मेरी माता की रक्षा करना, मेरी माता इस समय अकेली हैं। बन दिसी सौंपी चले सभी काहू, चले जहां रावण ससिराहू, शून्य बीच दस कंधर देखावा, आवा निकट जति कर भेसा। इधर लक्ष्मण जी जब चले गए तो आश्रम को कुटिया को शून्य तरीके से देखा, अर्थात वहां पर राम लक्ष्मण को नहीं जान करके रावण एक कपटी भिक्षुक अर्थात साधु का रूप बनाकर कुटिया के पास पहुंच करके भिक्षा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि की आवाज लगा दी। भिखारी खड़ा द्वारे, भिखारी खड़ा द्वारे, भिखारी खड़ा द्वारे, देना भीख भिखारी खड़ा द्वारे। दुबरे पे मैया जोगी अलख जगाए, दुबरे पे जोगी मैया अलख जगाए, भिखारी खड़ा द्वारे माँ, भिखारी खड़ा द्वारे, देना भी अरे भिखारी खड़ा द्वार देना भीख। भिक्षाम देही भिक्षाम देही रावण ने जब आवाज लगाई तो माता सीता जी ने कुटिया में रखा हुआ कंदमूल फल लेकर के रावण को देने लगी। सो रावण भिक्षा लेने के लिए जैसे ही रेखा के अंदर पांव रखने का प्रयास किया सो रेखा से आग जलने लगी। रावण समझ गया कि जाते जाते छोटे तपस्वी ने भी अपनी माया छोड़ दी है। सो रावण ने कहा कि ऐ सुंदरी मुझे भिक्षा देना है तो कुट रेखा के बाहर आकर के दो, तभी मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा मैं एक सन्यासी हूँ, बदी हुई भिक्षा मैं नहीं लेता। सीता जी धर्म संकट में पड़ गईं कि अगर रेखा को पार करूंगी तो मेरे देवर लक्ष्मण का अपमान होगा, और अगर मैं भिक्षा नहीं देती हूं तो मेरा गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है वो नष्ट होगा। परंतु इस संसार में वेद शास्त्र श्रुति कहते हैं कि स्त्री के लिए
गृहस्थ आश्रम का धर्म का पालन करना सर्वोच्च होता है। सो मैं देवर की आन रहे या ना रहे, मैं गृहस्थी का धर्म जरूर निभाऊंगी और एक भूखे साधु को भिक्षा अवश्य दूंगी। ऐसा ही विचार कर सीता जी रेखा के बाहर आकर भिक्षा देने लगी। सो रावण उसी समय सीता जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ऐ सीते, अब मेरे साथ लंका में चलो, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, ये मेरा प्रत्यक्ष रूप दर्शन करो। सो सीता जी बड़ी दुखी हो गई। तब उन्हें समझ में आया कि मेरे साथ छल हुआ है। तब भी रावण को कहती हैं कि दुष्ट रुक खड़ा रह, मेरे स्वामी शीघ्र ही आएंगे और जब मेरे स्वामी आ जाएंगे तो तुम्हें एक पल में मार गिराएंगे। तब रावण ने कहा कि वो तो हिरण के पीछे भागा है और तुम्हारा तेवर जो है वो भी वहीं चला गया है, अब कोई नहीं आएगा, मेरे साथ लंका में चलने में ही तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। और तब क्रोध में रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया। क्रोधवंत तब रावण लीने से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाँ की न जाई। हे लक्ष्मण तुम्हारी नहीं दोसा, जस करनी फल पाव हुरोसा। हाँ जगवीर एक रघुराया, कहीं अपराध विसार हुदाय। आरति हरन शरण रघुनायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। द्विविध विलाप करत पदही, दूर कृपा प्रभु दूर सने। गिधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सीता जी विलाप करते हुए चली जा रही थी कि लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, मैंने जिस प्रकार की करने की उसी प्रकार का फल पाया। सीता जी के करुणा कंदन स्वर को सुनकर जटायु राज ने जब सुना तो जटायु राज ने रावण को ललकारते हुए कहा कि अय रावण एक मुहूर्त खड़ा रह, तुम मुझसे युद्ध किए बिना माता सीता को नहीं ले जा सकता। और तब रावण ने अनुमान किया कि यह कोई मैनाक पर्वत है या पक्षी राज गरुड़ है, जो रावण के प्रचंड भुजाओं की सामर्थ्य को नहीं जानता, जो मुझसे लड़ना चाहता है। थोड़ा सा अवलोकन करके देखा तो गिधराज जटायु। सो रावण बोला कि तो तू बूढ़ा है, क्यों मरना चाहता है मेरे हाथ से? है बूढ़ा कमजोर तू, मन में कर कुछ ख्याल, मुझसे लड़ना चाहता क्या आया तेरा काल? जटायु ने कहा कि मूर्ख रावण, मैं अपने जीते जी सीता जी को तुझे नहीं ले जाने दूंगा। सो रावण क्रोधित हुआ और जटायु से बोला, क्यों खगियावत है इत को नहीं जानत ते दस दीस भुवारा। देवति ने सतिगे ससुरेश करे मम पूजन आई अगारा। खग आवत है तपसिन के तो खग जय हो मो कर मारा। बद्र भला चहु आपन जो फिर जा घर को सुन सीख हमारा। ऐ पक्षी तुझे नहीं मालूम है कि इस रावण की आज्ञा का पालन सुरेश दिगेश सुरेश यम इत्यादि करते हैं और तू उस लड़ना चाहता है, उस रावण के साथ लड़ना चाहता है, भलाई चाहता है, प्राण की रक्षा चाहता है, तो वापस लौट जा जटायु, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा।
परंतु जटायु इतना सुनकर के तुरंत ही रावण के ऊपर टूट पड़ा। आखिर रावण और जटायु का घमासान युद्ध होने लगा। पक्षी राज जटायु ने अपने चोंचों से मार मार कर, पंजों से मार मार करके आखिरकार रावण को अधमरा कर दिया। मूर्छावंत हो गया रावण, लेकिन जब चेतना में आया तो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। तब रावण ने विचार किया कि इसके साथ साधारण युद्ध करना उचित नहीं है, सो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से इसके डंक और पंख को काट देता हूँ। सो रावण क्रोधित होकर के पुनः अपनी चंद्रहास तलवार निकाला और जटायु के डंक पंख काट डाले। अब सकोप निसचर किसियाना काढ़े सी परम करयाल कृपाना, काटे सी पंख गिरा खगधरनी सुमिर राम के यदुभूति करनी। जटायु के जब डंक पंख कट गए तो जटायु धरती पर गिर गया, राम राम कहते हुए गिर गया। सीता जी जाते जाते जटायु से बोली कि ऐ जटायु, मेरे स्वामी को इतना संदेश जरूर बता देना कि रावण मुझे चुरा करके ले गया है। इधर रावण सीता जी को लेकर के चल पड़ा। चलते चलते आखिर पहुंचा कहाँ, किष्किंधा पर्वत पर। किष्किंधा पर्वत पर जब पहुंचा, सीता जी ने देखा कि कुछ बंदर नीचे बैठे हुए थे। सो सीता जी ने अपने कुंडल इत्यादि आभूषणों को अपनी साड़ी फाड़ कर उसमें बांध करके गिरा दिए, जिसे महाराज सुग्रीव को प्राप्त हुआ। इधर सुग्रीव उसे रख लेते हैं, यही आगे चलकर निशाने के तौर पर श्री राम लक्ष्मण को देते हैं और रावण सीता को ले जा करके अशोक वाटिका में ठहराता है। अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को वहीं पर ठहराता है। उधर की कथा उधर, इधर आगे लक्ष्मण भागे चले आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे की कथा अगले भाग में। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता। मंगल भवन मंगलिहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सियापति राम चंद्र की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।